डियर स्टूडेंट इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर स्टेट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं एचसीएफ एंड एलसीएम को इस तरीके से करवाने वाला हूँ कि मेरे द्वारा जिन भी एग्जाम्स का नाम लिया गया है उनके अंदर इससे बाहर एक भी कंसेप्ट नहीं आए, और मैं आपको बकायदा प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए बिल्कुल कहीं और पर जाने की जरूरत ना पड़े। मेरे द्वारा दी गई चीजें एनएफ है, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो छोटी सी बातें बताना चाहूंगा कि अगर आप नए व्यूअर हैं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के, तो मेरी रेगुलर वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए आप क्या करें, इस चैनल के नीचे एक इस तरह का बटन होगा, वहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन उभर कर आएगा उसे भी प्रेस करें। और दूसरी बात, अगर आप एक अच्छे से स्ट्रक्चर में स्टडी करना चाहते हैं, सारे स्टडी मटेरियल और वीडियोस को एक स्ट्रक्चर में एसेस करना चाहते हैं, तो इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके पहले के दो पार्ट्स के अंदर, बिकॉज ये इस वीडियो सीरीज का तीसरा पार्ट है, तो पहले के दो पार्ट के अंदर मैंने क्या कवर किया है वो बता देता हूं। एक तो मैंने बताया कि भाई एलसीएम क्या है, अच्छे से समझ में आ गया आपको उसके अंदर, और उसको कैलकुलेट करने के बेस्ट वे कौन कौन से हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने एक तरह के क्वेश्चन करवाए एलसीएम प्लस एक्स, ये आप उसके अंदर देख सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको कंसेप्ट नंबर 3 करवाने, पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप बड़े जल्दी से इस चैप्टर को रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो अब समझते हैं भाई कंसेप्ट नंबर 3 है क्या, बड़ा इजी है, ओपन माइंड होके आराम से सुनो। देखो, मान लो हमारे पास दो नंबर है 12 और 16, ठीक है, इजी नंबर मैंने उठाए। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जो इन दोनों का मल्टीपल हो, इन दोनों का मल्टीपल छोटे से छोटा नंबर क्या होएगा इनका, एलसीएम, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इस एलसीएम को मैं 12 और 16 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो अभी रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होए इस कंसेप्ट की। देखो, सबसे पहले 12 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन के ऊपर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, यह है जी 0। तो 12 का सबसे पहला मल्टीपल क्या है, 12 का सबसे पहला मल्टीपल है 12 इटसेल्फ, दूसरा मल्टीपल है 24, तीसरा मल्टीपल है 36 एंड फोर्थ मल्टीपल ऑफ 12 इज 48, ठीक है। देन अब मैं इसी 48 को 16 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा नंबर लाइन के ऊपर, तो भाई सबसे पहले आता है 0, देन कम्स द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 16, 16 का पहला मल्टीपल 16, फिर दूसरा मल्टीपल 32 और तीसरा मल्टीपल 48, ठीक है। इसी कारण ये इन दोनों का एलसीएम है, बिकॉज दोनों में कॉमन है और सबसे छोटा है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा, देखो 48 12 से और 16 से डिवाइड होता है, तो एग्जामिनर ने ऐसे क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट से कि भाई छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जो इन दोनों से डिविजिबल है, तो आंसर हो गया 48। अब की बार एग्जामिनर ने पूछा कि छोटे से छोटा वो नंबर बताओ जिसको मैं डिवाइड करूं तो दो रिमाइंडर आए, तो फिर हमने क्या किया, इसके अंदर दो जोड़ दिया, बिकॉज छोटे से छोटा नंबर जो डिवाइड हो वो हमें पता है, तो दो रिमाइंडर देने वाला भी पता है 50। लेकिन अब एग्जामिनर अगर बोलेगा कि तीन रिमाइंडर दे, तो हम तीन जोड़ देंगे। लेकिन अब की बार एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया कि भाई 12 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर दे और 16 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर दे। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते ऊपर 10 जोड़ दे नीचे 14 जोड़ दे, ठीक है, तो नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, अब कंसेप्ट को समझने का वक्त आ गया है। देखो 12 का मल्टीपल सिर्फ 48 नहीं है, 48 के अलावा भी और मल्टीपल हैं, 48 से पहले भी मल्टीपल है, ठीक है, 48 इन दोनों का एलसीएम है बस,
ठीक है, 16 का मल्टीपल 32 भी है, तो सिर्फ 48 पर हमने कंसंट्रेट नहीं करना कि इसी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अब की बार आपने इस चीज पर कंसंट्रेट नहीं करना कि भाई एलसीएम में कितना जोड़ूं, एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया कि भाई इनके मल्टीपल से कितना ज्यादा है, दो ज्यादा है, तीन ज्यादा है। अब की बार एग्जामिनर का फोकस है कि इनका जो कॉमन मल्टीपल है उससे कितना कम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 12 का है, और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये 16 का है, ठीक है। तो अब की बार एग्जामिनर ने पता है क्या किया, एग्जामिनर को पता है कि 36 भी डिविजिबल है 12 से, 32 भी डिविजिबल है 16 से, ठीक है। तो अब की बार 12 में से अगर आप 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आता है, 2, 16 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आता है, 2। अब की बार उसने क्या बोला कि अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं और इसमें से भी 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब अब की बार आपने आगे नहीं जाना एलसीएम से, अगर आप दोनों केस में उतना ही पीछे आ जाएं, तो बिकॉज ये पूरा डिस्टेंस ऊपर 12 है तो यहां पर ऑटोमेटिकली 2 तो यहां पर हो गया तो यहां पर 10 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ऐसा नंबर मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा, मेरे को ऐसा नंबर मिलेगा जो कि पुराने वाले मल्टीपल से 10 ज्यादा होगा। अगले वाले से 2 कम होगा लेकिन पुराने वाले से 10 ज्यादा होगा, तो रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव आता है तो 10 रिमाइंडर आ जाएगा। और अगर मैं यहां से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऐसा नंबर मिलेगा जो पुराने वाले मल्टीपल से 14 ज्यादा होगा, बिकॉज 2 पीछे आ गया, बिकॉज ये 16 है। तो अब की बार, अब मैं एक लाइन में सारे कंसेप्ट को बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अब की बार एग्जामिनर चाहता है कि आप दोनों केसेस में सेम नंबर आगे ना जाएं। अब की बार आपने यह नहीं करना कि भाई प्लस एक्स प्लस एक्स, अब की बार एग्जामिनर चाहता है कि दोनों केसेस में आप सेम क्वांटिटी में पीछे आ जाएं, ठीक है। अब की बार आपने ये देखना है कि भाई जो मैंने नंबर निकालना है वो मल्टीपल से कितना छोटा है, कितना छोटा है, कितना बड़ा नहीं, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर टाइप लेके चलेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अदरवाइज अभी हम क्या करेंगे, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, और आप ये नोट बना लोगे कि तीसरा कंसेप्ट मैंने क्या करवाया है, एलसीएम माइनस एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो, और किसी भी क्वेश्चन के मेरे करने से पहले एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कीजिए और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाई 12 and 16 लीव्स रिमाइंडर 5 and 9। तो अब आपका दिमाग बोलेगा भाई अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है ये तो, ठीक है, तो अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, तो आपने ये नहीं देखना कि कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है ये नहीं देखना। अब की बार आपने देखना है कि भाई जो मेरा नंबर आएगा वो किसी भी मल्टीपल से कितना कम है, ठीक है। मतलब देखो 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो मतलब ध्यान से सुनिएगा, ये 12 का मल्टीपल है, ठीक है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये 3 12 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल हैं। आप किसी भी मल्टीपल में 5 जोड़ देंगे तो भी ऐसा नंबर आ जाएगा, 5 रिमाइंडर, या फिर किसी भी मल्टीपल में से 12 minus 5 is 7, 7 पीछे आ जाएंगे तो भी तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो 5 रिमाइंडर देगा, पीछे वाले मल्टीपल के अकॉर्डिंग 5 रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है भाई, मतलब 5 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब हमने अपने मल्टीपल से 12 minus 5 7 पीछे आना है, ओके, 7 पीछे आना है,
9 रिमाइंडर दे रहा है तो हमने अपने मल्टीपल से 7 पीछे आना है। दैट्स इट। जो भी इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है उससे 7 पीछे आना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये डिफरेंस सेम ना हो तो आपके दिमाग में ये डाउट आएगा, तो भाई अगर ये डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होगा, क्योंकि रीजनेबल चीजें ही पूछ सकता है ना एग्जामिनर, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा, डू नॉट वरी। वैसे वो एसएससी में आज तक आया नहीं है, आने के चांसेस भी नहीं है, फिर भी करवा दूंगा ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो देखो भाई, तो इनका एलसीएम क्या है भाई, जैसा कि हमने देखा 12 और 16 का एलसीएम है 48, और दोनों केसेस में मैंने 7 पीछे आना है ताकि मेरा रिजल्ट मेरे को मिल जाए। तो 48 - 7 = 41 ऐसा नंबर है भाई जो सारी कंडीशंस पे खरा उतरेगा, ठीक है। बढ़े आगे, होपफुली आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो आप। द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 4, 5 and 6 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 and 3। तो अब की बार आप क्या देखोगे, अच्छा भाई 4 के केस में 1 रिमाइंडर, मतलब अलग अलग रिमाइंडर सबसे पहले, तो देखेंगे भाई कितना कितना कम है। तो भाई 4 के केस में 1 रिमाइंडर, मतलब 4 का जो मल्टीपल है, 4 का जो मल्टीपल है, ऐसे नहीं देखना कि उससे एक ज्यादा है, आपने देखना है कि 4 के मल्टीपल से कितना कम है, 3 कम है, 4 के मल्टीपल से 3 कम नंबर निकालना है, बस छोटी सी बात। 5 के मल्टीपल से 2 कम नंबर निकाल, सॉरी 3 कम नंबर निकालना है, मतलब 2 रिमाइंडर आएगा। 6 के मल्टीपल से 3 रिमाइंडर चाहिए, मतलब 3 कम निकालना है। तो भाई 4, 5 और 6 के मल्टीपल से 3 कम निकालना है, तो भाई ले लो इनका एलसीएम। 4, 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, दैट विल बी 6, 5 and 2, मतलब कि 60 इनका एलसीएम लेना। अब तक इस पार्ट तक आपको आ जाना चाहिए, तो भाई 60 से 3 कम हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी 57। पेन एंड नोटबुक की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के लिए, अगर आप ये कंसेप्ट सीख गए, आगे और मौका मिलेगा सीखने का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। ए नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 10 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 9, वेन डिवाइडेड बाई 9, ठीक है, लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8। तो सीधी सीधी बात है, अब तक मामला समझ में आ गया कि भाई एक छोटा रिमाइंडर दे रहा है ये, तो नंबर से एक कम, नंबर के मल्टीपल से एक कम आना हमें, 9 रिमाइंडर दे रहा है, 9 वाला 8 रिमाइंडर दे रहा है, तो बस इनका एलसीएम निकाल लेंगे और एक घटा देंगे, ठीक है। तो भाई 10, 9 और 8 इन सब का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेना आना चाहिए 9 × 8 × यहां पर सिर्फ 5, तो दैट विल बी 360 इन दोनों का एलसीएम है, इन तीनों का एलसीएम है। तो भाई नंबर के मल्टीपल से एक कम हमें आना था, तो 360 - 1, सो द आंसर विल बी 359। इसके अंदर पेन एंड नोटबुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं भाई। द लीस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाई 18, 27, 36 सेपरेटली लीव्स रिमाइंडर 5, 14 and 23। मैं इतने क्वेश्चंस क्यों करवा रहा हूं आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी कभी ये दिखते नहीं है, पहचान में नहीं आते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीजें, ठीक है। हाँ, बोर मत हुआ करो सीख कर। तो भाई 18 से कितना कम है भाई, ये 5, 18 से ये 13 लेस है, ठीक है। और ये चेक करना मत भूलिएगा, 27 से 14 कितना कम है, 13 लेस है, 36 से 23 कितना कम है, 13 लेस है, मतलब इन तीनों का मल्टीपल हमें 13 कम करना है, बस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बस भाई इन तीनों का एलसीएम ले रहा हूं मैं। देखो भाई 18 × 2 होता है ना 36, 18 को तो हटा ही दो, कंसीडर मत करो एलसीएम लेने में, मैंने बताया है क्यों। तो 27 एंड 36 का एलसीएम लेंगे, 27 है भाई मन मन में देखेंगे 9 × 3, ये है 9 × 4, तो एलसीएम विल बी 9 × 3 × 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 108 विल बी द एलसीएम, और हमने घटाना कितना है 13, सो 95 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन। अब तक कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए, तो चलो भाई ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, वीडियो रोक के इसे करिएगा, ठीक है, और ठीक करना। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच वेन डिवाइडेड बाई 12, 16, 24 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 14, अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है,
पहले वाला रिमाइंडर कितना कम है, 12 से 10 कम है। अगले वाला रिमाइंडर 16 से 10 कम है। अगले वाला रिमाइंडर 10 कम है। तो एक बात तो हम समझ गए कि 12, 16 और 24 इन तीनों का एलसीएम क्या है जी, इन तीनों का एलसीएम है भाई 48। टेबल वाला मेथड, 24 का टेबल रिवाइज करेंगे, 24 टू जा 48, 48 दोनों से डिविजिबल है बस। तो पहला ऐसा नंबर, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, पहला ऐसा नंबर जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है वो है 48 माइनस 10, 38, ठीक है। तो लेकिन यहां पर पूछा गया है 4 डिजिट का नंबर, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि दूसरा ऐसा नंबर जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, अगर बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर पूछ लेते तो भी तो कुछ करते ना आप, तो भाई 48 का सेकंड मल्टीपल 96 माइनस 10, तो दूसरा ऐसा नंबर है जी 86। मतलब हमने 48 के मल्टीपल के हिसाब से चलना है, 48 का तीसरा मल्टीपल, 48 का चौथा मल्टीपल, ठीक है भाई, समझ गए अब हम। मतलब हमने कहां तक जाना है, हमने जाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तक। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो भाई ये है, तो देख लेते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के आसपास कौन सा 48 का मल्टीपल है, ठीक है। अभी देख लेते हैं भाई, डिवाइड करके पता चलेगा और इसका, ठीक है। ये लो भाई, तो 48 से मैं डिवाइड करूंगा, 48 टू जा, और इसकी जरूरत नहीं है हमें, यहां पर 2 वगैरह कितना आएगा उसकी, ठीक है। 48 टू जा इज 96, देन वी हैव 3, 9 ये जाएगा नहीं, ठीक है। देन हम एक 9 उतार लेंगे, वैसे यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। देन अब ये 48 से कितने पे जाएगा, अगर यहां पर होता 50 तो 400 के केस में 8 पर जाता, तो भाई 8 ले लेता हूं मैं, 320 और 64 384, सो वी हैव 15, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो अभी, 9999, ठीक है, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए अभी जो मैं बताने वाला हूं। मैं तो लिख के बताऊंगा कि ये जो नंबर है इससे 15 पीछे, बिकॉज इस नंबर के अंदर अगर हम 48 से डिवाइड करते हैं तो 15 एक्स्ट्रा आता है, तो इस नंबर से जस्ट 15 पीछे एक ऐसा नंबर होगा जो 48 का मल्टीपल होगा, जो 48 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या हमें 48 का मल्टीपल निकालना है, हमें 48 के मल्टीपल से 12 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आता है, 2। 10 छोटा नंबर निकालना है, याद आया ना, 10 छोटा नंबर, तो इससे भी 10 छोटा, मतलब आप क्या करोगे, जो 9999 है उसमें से डायरेक्टली 25 घटा दोगे। अब यहां पर तो दो बार घटाते तो भी 10 घटाना था, बिना वजह इतनी कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन दूसरी जगह पे हो सकती है, तो माइंड में यह बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई इसमें से अब मैं 25 घटा दूं और मेरा आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 9974, सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो मेरे ख्याल ये बात क्लियर होगी आपके माइंड के अंदर। अब बढ़ते हैं भाई आके, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा भाई पॉज करके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, अच्छा जी 23 का भी मल्टीपल होना चाहिए, which when divided by 18, 21 and 24 leaves remainder 7, 10 and 13, अलग अलग remainder हैं, तो मतलब कि 11, 11 का difference है, मतलब जो भी हमारा LCM है उससे मैं 11 पीछे आ जाऊंगा, ठीक है भाई। तो पहले तो इनका LCM देख लेते हैं, ठीक है, तो इन तीनों का LCM क्या होगा भाई, इनका LCM देखो, ये मेरे सामने दिख रहा है 8, 3, 7, 3, ठीक है, ऐसे LCM लेते हैं, 3, 3, 9, 9, 7, 63, देन हेयर वी हैव 63, 480 एंड 24 दैट इज 504, या 504। अब देखो 504 इनका एलसीएम है सबका, तो हमारा पहला नंबर इस टाइप का, जिस टाइप का हमें नंबर चाहिए वो क्या है, 504 में से मैं कितने घटाऊंगा, 11, 18 माइनस 7, 11 घटाऊंगा, तो पहला ऐसा नंबर दैट विल बी 493।
लेकिन क्या हमें सबसे छोटा ऐसा नंबर चाहिए? नहीं, हमें चाहिए भी लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। अब आप क्या करोगे, मैं आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे भी बता दूंगा, डू नॉट वरी, लेकिन एक बार इस चीज को समझ लो, ये जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या ये 23 का मल्टीपल है कि नहीं, और इसको देखने का एक ही तरीका, इसको डिवाइड करके मेंटली देख लो, 23 दूनी 46, 3 बचे, 23 से कम 23 नहीं है, 10 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये तो हमारा वो वाला नंबर नहीं है। देन 504 का डबल कर दो, दैट इज 1008, इसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देन अब आपके पास बच जाएगा जी 997। तो क्या ये 23 का मल्टीपल है? ये भी नहीं है। तो एक तो ये तरीका है, हम ऐसे चलते रहेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल लाते रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल लाते रहेंगे। अदरवाइज एक और तरीका है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि मेरे को 23 का मल्टीपल ट्रैक करना पड़ेगा, 23 का मल्टीपल, तो तब आपको पता लग जाना चाहिए, या फिर आपको आगे से पता लग जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे, ये तो पता लग जाएगा जिसको कंसेप्ट आता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन लेंदी हो सकता है एलसीएम एचसीएफ के अंदर, मैंने आपको क्या बताया है कि किस चीज के लिए जाओगे, तो आप डेफिनेटली जाओगे डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए, जो मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहले 18 है, 18 होता है 9 × 2, तो भाई जो भी नंबर, अब बात को सुनिएगा ध्यान से, जो भी नंबर 18 से डिवाइड होके कितना रिमाइंडर दे, 7, वो नंबर 9 से डिवाइड होके कितना रिमाइंडर देगा, ये वाला पोर्शन तो 9 से डिवाइड हो जाएगा 0, ये वाला पोर्शन 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 रिमाइंडर आ जाएगा। तो वो नंबर 9 से डिवाइड होके भी 7 रिमाइंडर देगा। तो देख लो ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होके 7 रिमाइंडर दे रहा है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स, अभी देख लेते हैं, 3 और 3 6 और 1 7 हो सकता है आंसर, 4 और 3 7 और 2 9 0 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 3 और 2 5 5 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 6 और 3 9 और 3 3 रिमाइंडर नहीं हो सकता, आंसर इज ऑप्शन ए। तो हमें सारे द्वार खुले रखने पड़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल को भी याद रखना पड़ेगा, कन्वेंशनल वे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कन्वेंशनल वे को मैं थोड़ा सा और भी इंप्रूव कर सकता हूं 504 के मल्टीपल्स ऐड करके, लेकिन मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, आप डिविजिबिलिटी रूल्स के थ्रू जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, तो ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करिए, इसे पढ़िए, आनंद लीजिए और मेंटली सॉल्व करिएगा इसे, आपका आंसर आ जाना चाहिए मेंटली। 10 थीव्स स्टील एक्स कॉइंस, एक्स कॉइन चुरा लिए एंड एस्केप और भाग गए, व्हाइल ऑल आर अस्लीप, जब सारे सो रहे हैं, 2 थीव्स वेक अप एंड डिवाइड द कॉइन बिटवीन देम एंड फाइंड 1 कॉइन एक्स्ट्रा, और उनको 2 थीव्स उठे, ठीक है, और आपस में कॉइन बांटा, तो एक एक्स्ट्रा बचा, ठीक है भाई। जस्ट देन ए थर्ड थीव गॉट अप, वेक्स अप, तीसरा थीव उठा और तीनों ने कॉइन बांटे, तो भाई जब तीनों ने कॉइन बांटे तो वो बोल रहे हैं 2 कॉइन बचे एक्स्ट्रा, ओके 2 कॉइन बचे। एंड जस्ट देन ए फोर्थ थीव वेक्स अप अगेन ऑन डिवाइडिंग द कॉइन्स अमंग देम, 3 कॉइन्स आर एक्स्ट्रा, जब 4 थीव्स ने कॉइन बांटे तो 3 एक्स्ट्रा। तो यहां पर एक्स्ट्रा पर मत जाइएगा, मैंने बताया है जब रिमाइंडर अलग अलग आए तो एक्स्ट्रा पे मत जाओ, ये देखो कितने कम रह रहे हैं। तो पहले वाले केस में कितने कम रह रहे हैं, 1 कम रह रहा है अभी मल्टीपल होने से, अगला मल्टीपल होने से 1 कम, 2 से 1 ही तो कम है, 3 से 1 ही कम है, 4 से 1 ही कम है, अच्छा माजरा समझ में आ गया, जो भी 2, 3, 4 जो भी ये नंबर है इनके मल्टीपल से 1 कम है भाई जो नंबर हमें चाहिए, तो एंड तक 5, 6, 7, 8, 9, 10 थीफ है टोटल, तो 10 में 9 रिमाइंडर आया, एंड तक यही कंडीशन चली है। आपको कंडीशन समझ में आ गई, मतलब अब हमने करना क्या है, अब हमने इन सारे नंबर्स का एलसीएम लेना है और उसमें से एक घटा देना है। अब ये काम करने के लिए हम पेन एंड नोटबुक थोड़ी यूज करेंगे, दिमाग काफी है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, मेरे को आपकी इमेजिनेशन चाहिए ये समझाने के लिए। देखो भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नंबर आपके सामने है ब्रेन में, तो
तो सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर है? मेरी बात को सुनते रहो आंख बंद करके। सबसे पहला प्राइम नंबर है दो, तो मैक्सिमम दो किस नंबर के अंदर है? आठ। दस तक सिर्फ आठ के अंदर, आठ को दिमाग में रखो। दो की सारी पावर्स आपने ले लिया, आठ, आठ आ गया, आठ को साइड में रख दो भाई। अगला प्राइम नंबर क्या है? तीन, तीन की पावर नौ, और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी जब आपका दिमाग ऐसे सोचने लगेगा, ठीक है? ये मत सोचना देर लगेगी। तो नेक्स्ट आठ और नौ, दो ले लिए भाई मैंने। इसके बाद आगे है कोई प्राइम नंबर? पांच, हां जी पांच है, ओके पांच भी रख लिया मैंने, आठ नौ पांच। पांच के आगे है कोई प्राइम नंबर? सात। तो आठ नौ पांच सात, आठ नौ पांच सात, बस खेल खत्म। तो आठ को पांच से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? ताकि जीरो बन जाए। तो आठ और पांच चालीस, नौ को सात से कर दो, नाइन सेवन जा 63। तो 63 इंटू 40, 63 को अगर मैं 4 से करूं, तो मैंने आपको तरीका बताया है हाउ टू लर्न टेबल्स वाली वीडियो के अंदर। 63 इंटू 4 240 और 12 2520 विल बी द एलसीएम। इन सब का एलसीएम क्या होगा? 2520, उसमें से एक घटाना भाई 2519। एक बार ऐसे सोचने की आदत पड़ गई तो बिना पेन और नोटबुक या फिर उसके मिनिमम यूज से आप क्वेश्चंस को निकालेंगे, जो कि काफी फास्ट होगा। अब बढ़ते हैं भाई आगे, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, ठीक है? और आपसे निकला या नहीं निकला ये कमेंट भी करना है भाई, सॉल्व्ड नॉट सॉल्व्ड, ठीक है? ईमानदारी से बता दीजिएगा, यहां पर कोई इनाम नहीं मिलने वाला कि ना सॉल्व हो तो भी, वैसे मैं देखना चाहता हूं बस, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लड़ाइएगा, सॉल्यूशन देखने की जल्दी बिल्कुल मत करिएगा, टाइम दीजिएगा इसको। अब मैं बताता हूं आपको, देयर आर थ्री लाइट्स, रेड ब्लू एंड येलो, ठीक है? बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है, पेन नोटबुक की जरूरत नहीं है इसमें, अगर समझ आ गया तो विद इन 10 seconds आंसर टिक, ऐसा क्वेश्चन है। देखो तो तीन लाइट है भाई, लाल ब्लू और येलो। द लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑन फॉर 4, 7 and 10 seconds, 4, 7 और 10 seconds के लिए उनको स्विच ऑन किया जाता है, इतनी देर के लिए जलती है, ठीक है? एंड ईच लाइट इज स्विच्ड ऑफ फॉर 8 seconds, और हर एक लाइट 8 सेकंड के लिए बंद होती है। इफ ऑल द लाइट्स आर स्विच्ड ऑन टुगेदर, अगर सारी लाइटों को इकट्ठे जलाया गया था एट ए सर्टेन टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल द लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ टुगेदर, मतलब सभी जल रही हैं एकदम बंद हो गई, मतलब इकट्ठी बंद कब होंगी अगर जली इकट्ठी है तो? आपको मैं इसकी वर्किंग समझाता हूं, थोड़ी विजुअलाइज करते हैं, ठीक है? आराम से देखिएगा। देखो मान लीजिए भाई, सबसे पहली लाइट है रेड लाइट, ठीक है? तो रेड लाइट कितने सेकंड्स के लिए जलती है? रेड लाइट जलती है भाई 4 सेकंड के लिए, ओके 4 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए बंद होती है? बंद होती है भाई 8 सेकंड के लिए। बंद होने वाली प्रोसेस को डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? 8 सेकंड के लिए बंद होती है। नेक्स्ट लाइन हमारे पास है भाई ब्लू लाइट, लाइट जो कि जलती है भाई 7 सेकंड के लिए, और भाई बंद होती है वही 8 सेकंड के लिए, ठीक है? नेक्स्ट लाइट हमारे पास है जी, दैट इज येलो, जो कि जलती है 10 सेकंड के लिए और बंद होती है वही 8 सेकंड के लिए, ठीक है? अब इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए ना एक और स्टेप आगे चल पड़ते हैं, ताकि आप ऑब्जर्व कर लो खुद, मेरी मदद की जरूरत ना पड़े। तो भाई इसको मैं एक और स्टेप आगे लेके जा रहा हूं कि भाई ये फिर से 4 सेकंड जली, फिर से 8 सेकंड बुझी, ये फिर से 7 सेकंड जली, फिर से 8 सेकंड बुझी, ये फिर से 10 सेकंड जली, फिर से 8 सेकंड बुझी। अब मैं आपको थोड़ी सी इंट दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एग्जामिनर ने पूछा है एट व्हाट टाइम द लाइट्स विल बी स्विच ऑफ टुगेदर, स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ कब होती है? यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है? और एक साइकिल यहां पर पूरी हो गई है, यहां पर। तो आपने क्या देखना पता है, इकट्ठी स्विच ऑफ कब हो, मतलब ये जो जहां पर तीर है, ये जो 8 सेकंड वाला टाइम है, ये कब इकट्ठा स्टार्ट होगा, ये इकट्ठा कब स्टार्ट होगा, ओके? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है? अब सारा अंडरस्टैंडिंग का खेल है। देखो इसकी जो टोटल लाइफ स्पेन है, मतलब ये जो टोटल काम हो रहा है जलने और बुझने का, वो 12 सेकंड का है, हाँ जी।
मेरे को देखना है काम स्टार्ट कब हो रहा है, कौन सा काम स्टार्ट कब हो रहा है, बुझने वाला, तो ये 12 सेकंड का है, अगली साइकिल भी 12 सेकंड की है, ओके, अगली साइकिल भी 12 सेकंड की है, तो भाई 12 सेकंड के बाद ये स्टेट आई, 24 सेकंड के बाद ये स्टेट आई, 12 के मल्टीपल के ऊपर रिपीट होगी ना ये पूरा काम, 12 सेकंड के बाद ये, फिर 24, फिर 36, हैं ऐसे, तो 12 के, अब बात को ध्यान से सुनिएगा, 12 के हर एक मल्टीपल से 8 सेकंड पहले, 12 के हर एक मल्टीपल से 8 सेकंड पहले ये लाइट बंद होती है, 12 के हर एक मल्टीपल, अब अगला मल्टीपल है 12 का उससे 8 सेकंड पहले, अगला मल्टीपल है 12 का, 4 सेकंड जली 8 सेकंड बुझी, उससे 8 सेकंड पहले, मतलब अब मैंने कंक्लूजन निकाल लिया भाई कि 12 के हर एक मल्टीपल से 8 सेकंड पहले ये लाइट बंद होगी। नीचे वाली लाइट को देखें, चलो भाई 4 था यहां, यहां पर 7 था, यहां पर 8 था, तो भाई 15 के हर एक मल्टीपल से, मतलब यहां पर 15 सेकंड हुए, यहां पर 30 सेकंड हुए, 15 के हर एक मल्टीपल से एग्जैक्टली 8 सेकंड पहले ये लाइट बंद हो जाती है। ओके, नीचे वाली लाइट भाई 18 के हर एक मल्टीपल से 8 सेकंड पहले ये लाइट भी स्विच ऑफ हो जाती है। अब आपको सारा खेल समझ में आया जी, मतलब हमने करना क्या है, अब हमने 12, 15 और 18 का कोई एक नंबर देखना है जो कि मल्टीपल हो इन तीनों का, हाँ, उसमें से 8 सेकंड घटाने हैं, समझ गए, मतलब इन तीनों नंबर का कोई एक मल्टीपल देखना है, ऐसा कोई नंबर है जो इन तीनों का मल्टीपल है, छोटे से छोटा, एलसीएम, मतलब इनके एलसीएम में से 8 घटाएंगे तो उस वक्त सारी इकट्ठे बंद होगी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अब ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं होगी, अब आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये खेल है, अब देखो क्वेश्चन कितनी देर का है, तो भाई 12, 15 और 18, तो इन सब का एलसीएम क्या है भाई, इन सब का एलसीएम 18 के अंदर मेरे पास है 9 और 2, इसके अंदर मेरे पास 3 और 5, और इसके अंदर मेरे पास एक और 2 एक्स्ट्रा है, तो एलसीएम इज 180, एलसीएम में से मेरे को भाई 8 घटाना है, आंसर इज 172 सेकंड्स, दैट्स इट इस क्वेश्चन के अंदर। अब बढ़ते हैं भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर इसका भी आंसर कमेंट कर देना, कर ही रहे हैं तो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 और 500 गिव्स 8, 9 और 11 रिमाइंडर, अच्छा, व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 10 और 12, तो भाई 9 से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर, 10 से डिवाइड करें तो 9 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करें तो 11 रिमाइंडर, तो ये तो आप समझ गए कि हर एक रिमाइंडर एक छोटा है, इनके एलसीएम में से एक घटा दूं। लेकिन अब की बार उसने ये नहीं पूछा कौन सा नंबर, उसने पूछा 300 और 500 के बीच में कितने नंबर, तो भाई ये भी कर लेते हैं, देखो तो सबसे पहले तो इन सब का एलसीएम चाहिए भाई 12, 10 और 9 का, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 9 है, 4 है एंड 5 है, सो द एलसीएम इज 180, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सबसे पहला नंबर जो कि इनका एलसीएम है दैट इज 180, और सबसे पहला नंबर जो इस टाइप का है, जिस टाइप का हमें नंबर चाहिए, दैट इज 179 है। अब लेकिन हमें तो भाई 300 और 500 के बीच में देखना है, तो मेरे को ये बताओ 180 का कोई मल्टीपल लाई करता है 300 और 500 के बीच में, बिल्कुल इजी सी बात है भाई, दूसरा मल्टीपल लाई करता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो 360, तो हमारा आंसर 360 नहीं है, एक्चुअल में जिस नंबर को हम ढूंढ रहे हैं वो 359 है, हमारा आंसर 359 भी नहीं है, हमारा आंसर है हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर, तो भाई 180 का अगला मल्टीपल, ये तो यहां पर है, अगला मल्टीपल 500 से आगे होगा 540, तो 300 और 500 के बीच में तो एक ही नंबर है, तो आंसर इज 1, दैट्स इट, ठीक है। और हां, अगर अब आपके दिमाग में आए कि भाई एक से ज्यादा होते तो चलिए उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर देता हूं, अगर 300 और 500 की जगह पर 3000 और 5000 होता तो क्या करते, तो देखो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर है भाई 3000, यहां पर है 5000, ठीक है,
ये सारी चीजें दिमाग में हो रही है। अब मैंने 3000 को 180 से डिवाइड किया, मेरे को जस्ट ये देखना है कि भाई कौन सा मल्टीपल है जो 3000 से जस्ट आगे है, आगे देख रहा हूं, ठीक है, इनके बीच में देखना है। तो भाई ये लो, देन वी हैव 3 6 3, 6 से ही काट लेता हूं, 50/3, सो दिस इज 16 2/3। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर कई स्टूडेंट गलती करते हैं, ये जो है ना ये 16 पॉइंट समथिंग आया जब मैंने 180 से डिवाइड किया, 16 पॉइंट समथिंग, तो मतलब कि यहां पर 17वां मल्टीपल होगा, 16 पॉइंट समथिंग ये है, तो 17th मल्टीपल 3000 से आगे होगा, ठीक है। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं भाई 5000 को मैंने डिवाइड कर दिया जी 180 से, ये लीजिए भाई दिस इज 250/9, तो कितने पे जा रहा है देख लेते हैं, 9 2 18 7 9 9 जा, सो दिस इज 29 पॉइंट समथिंग, 97 जा, सॉरी दिस इज 27 पॉइंट समथिंग, इफ दिस इज 27 पॉइंट समथिंग, ये 27 पॉइंट समथिंग है, तो 27वां मल्टीपल इससे पहले आएगा, डन। अब भाई सिंपल सा काम हो गया, अब ये बताना कि भाई ये पहला मल्टीपल है, ये दूसरा मल्टीपल है, ये तीसरा मल्टीपल है, ये 17वां मल्टीपल है, ये 27वां मल्टीपल है, तो यहां पर कितने मल्टीपल है, तो भाई 16 मल्टीपल आए नहीं रेस के अंदर, 1 से लेकर 27 तक 16 सेलेक्ट नहीं हुए, तो 27 में से 16 गए, सिंपल सी बात है, तो उस वक्त में 11 आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 8 एंड 9 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 2 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस वीडियो को पॉज करके इसे डेफिनेटली करिएगा खुद, और उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ठीक है, काफी ट्राई करना, जल्दी हार मत मानना। तो भाई देखते हैं कि अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर दे, अगर 8 से डिवाइड करें तो 4 रिमाइंडर दे, 9 से डिवाइड करें तो 6 रिमाइंडर दे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भाई अगर हम सेम चीज ऐड ना कर पाए तो हम सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये देखूं कि भाई 7 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है तो मैं उसके मल्टीपल को 5 कम कर सकता हूं, 8 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे रहा है तो 4 ऐड करने के बजाय मैं 4 सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, और सिमिलरली 9 के केस में मैं जो नंबर 9 का मल्टीपल है उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो भाई इस केस के अंदर ना तो आप सेम चीज ऐड कर सकते हो एलसीएम के अंदर और ना ही सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो अब इसके अंदर क्या करें, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने को ना मिले तो वो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, हालांकि एसएससी के अंदर ऐसा आने के अब तक कोई भी चांस नहीं है और फ्यूचर में भी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, कैट लेवल तक के क्वेश्चन फिर कवर हो जाएंगे इस कंसेप्ट के। तो चलिए भाई अब मैं आपको समझाता हूं कि इसे करेंगे कैसे, तो इसे करने के लिए आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो मैं 7 8 और 9 इन तीनों के एलसीएम को, जो कि हमारे पास नंबर हैं 7 8 और 9 इस क्वेश्चन के अंदर 7 8 एंड 9, देखो तीनों को आराम से समझाऊंगा, ध्यान दीजिए यहां पर। तो भाई इन तीनों का एलसीएम सबसे पहले तो हम लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं 7 8 और 9 का, द एलसीएम ऑफ 7 8 एंड 9 इज 7 × 8 × 9 बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं, ठीक है, दैट इज 9 × 8 = 72, 72 7। तो अब ध्यान दीजिएगा कि 504 में या तो सेम चीज ऐड करनी है या सेम चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, अब तक किसी कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। अब मैंने बोला कि भाई 70504 में से आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे वाले केस में आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये तो अब अलग अलग नंबर हो गए। तो अब ध्यान दीजिए सिर्फ 504 ही, मैं अब 7 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 504 ही 7 का मल्टीपल नहीं है, इससे पहले वाला नंबर भी 7 का मल्टीपल है। तो अगर मैं 504 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दूं और उस नंबर में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं,
मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? बिकॉज ये वाला नंबर भी 7 का मल्टीपल है, और उसमें से अगर मैं 5 सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ये बताओ, तो भी 7 के केस में हमारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि भाई मैं यहां से पीछे आया तो ये पूरा गैप 7 का है, अगर मैं यहां से पीछे आया तो यहां पर 2 का डिफरेंस है, तो ऑटोमेटिकली 2 रिमाइंडर तो रह ही रहा है इस केस के अंदर। तो अब एग्जामिनर पता है क्या चाहता है, और एसएससी वाला एग्जामिनर तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, स्टेट लेवल एसएससी बैंक पीओ, कि भाई आप इसमें से 12 घटाएं, ओवरऑल 12 घटाएं, ठीक है, ये इस लेवल का हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर 8 वाले केस में, क्योंकि 8 का मल्टीपल इससे 8 कम होगा, तो मैं इससे 8 कम आऊं तो 8 के मल्टीपल पर आ जाऊंगा, उसके बाद मैं फिर से 4 कमाऊं तो दैट इज मैं इससे 4 कमाऊं, तो ओवरऑल कितना कमाना पड़ेगा, दैट इज 12 कमाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा ओवरऑल 12 कम यहां पर आना पड़ा नंबर से, यहां पर भी 12 कमाना पड़ा, तो यहां पर मिल गया ना पैटर्न। अगर मैं 9 के केस में यहां से 9 कमाऊं और यहां से, बिकॉज ये नंबर 9 का मल्टीपल है, अगर मैं 3 घटा दूंगा तो मेरे को 6 रिमाइंडर मिलेगा, तो यहां से मैं 3 कमाऊं तो ओवरऑल मेरे को 12 कमाना पड़ेगा 504 से। अगर आप छोटे से छोटा ऐसा नंबर चाहते हो तो इनके एलसीएम से 12 12 12 घटा दो। अगर इससे नेक्स्ट वाला ऐसा नंबर चाहते हो तो 504 के मल्टीपल से अब 12 घटा दो, ठीक है, लेकिन इस केस के अंदर हमारा आंसर क्या होगा, 504 में से सिर्फ 12 सब्ट्रैक्ट करना है, सो द आंसर विल बी 492। अगर किसी को इस कंसेप्ट का नहीं पता होगा तो ही विल डेफिनेटली मार्क डजंट एग्जिस्ट। तो होपफुली आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो के अंदर जितने भी कंसेप्ट मैंने कराने थे वो पूरे हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे अभी के अभी लाइक कर दीजिए, इससे अप्रिसिएशन मिलती है यार। और अगर नए पर्सन हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को मेरी बाकी वीडियोस देखने के लिए। तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोस। और हाँ यार, इसे शेयर कर दीजिएगा अभी वीडियो खत्म होते ही, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा फैले। और आपको कैसी लगी अगर ये बताने का दिल करे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।